कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं चाइना में लगने वाले बाजार के बारे में। दोस्तों चाइना कितना विचित्र है यह सब आप भली भांति जानते होंगे और हमें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जबकि चाइना में हर चीज दुनिया से अलग होती है। आप यहाँ पर लगने वाले रिश्तों को ही देख लीजिए। चाइना में रिश्तों का बाजार लगाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे ये रिश्तों का बाजार क्या होता है, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज हम आपको चाइना में लगने वाले रिश्तों के बाजार के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों धीरे धीरे दुनिया एडवांस हो रही है, जिसमें हर कोई अपने लिए बेस्ट ही चाहता है, चाहे वे कपड़े हो या घर हो या जीवन साथी। हर कोई सोचता है कि उसके जीवन में हर चीज परफेक्ट तरीके से हो, इसके इंतजार में हर कोई रहता है। ऐसे सिलसिला आजकल हमें शादियों में देखने को मिला है, जहां पर लड़का और लड़की अपने बेस्ट जीवन साथी की तलाश में अपने उम्र बढ़ाते चले जा रहे हैं। दोस्तों लड़के और लड़कियों को भले ही फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन उनके भविष्य को लेकर उनके माँ बाप चिंतित रहते हैं। लेकिन चीन ने इस चिंता को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। दोस्तों चीन के शंघाई शहर में रिश्तों का बाजार लगाया जाता है और हर शनिवार लड़के और लड़कियों के परिवार वाले आकर उनके लिए रिश्ता खोजते हैं। यह सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि बाजार में कौन सा रिश्ता ढूंढा जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें, चीन में पहली बार 2005 में शादियों का बाजार लगाया गया था, जिसमें शादी का सामान नहीं बल्कि रिश्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन पहले इस बाजार में कुछ लोग अपने बच्चों की रिश्ते की बात करते थे। इसके बाद यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे। फिर इसे प्रॉपर तरीके से हर शनिवार को चीन में शादियों का बाजार लगाया जाने लगा। इस बाजार में वो लोग अपने बच्चों की बायोडाटा एक छतरी पर लगा देते हैं, जिनमें उनका नाम, उम्र, एजुकेशन, जाति, राशि, अन्य चीजें भी लिखी होती हैं, जिसमें उन छतरी को देखकर कोई भी आसानी से उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। दोस्तों इस बाजार में 30-35-40 साल के बच्चे ही इस बाजार में आते हैं। इस बाजार के अलावा उनके पास शादी करने के लिए कोई चारा ही नहीं होता है। दोस्तों ज्यादातर लोग मानते हैं कि शादी करने के लिए इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां पर ज्यादातर लोग मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस बाजार के बारे में आपका क्या कहना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।